इसी सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी में बुधवार को कुश्ती के दाव पेच की जगह जमकर गोलियां चली, जिसमें निशा धैया और उसके भाई की मौत हो गई। निशा धैया जो कि यहां पर कोचिंग लेती थी पवन कुमार से कुश्ती की, बुधवार को सुबह भी वो यहां पर आई थी, कोचिंग ली, वापस घर चली गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन दोपहर को जब वो केमिस्ट की दुकान पर दवाई लेने के लिए जा रही थी, तभी कोच पवन कुमार, यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखा दूँ कोच पवन कुमार की, इन्हीं कोच पवन कुमार ने निशा धैया को वापस एकेडमी में बुला लिया और उसके बाद उसके घर पर फ़ोन किया कि निशा की तबीयत ठीक नहीं है, आकर उसको ले जाओ। और उसको लेने के लिए जब उसके माँ और भाई यहाँ पर पहुँचे तो उनके बीच में कहासुनी हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां पवन और उसके साथियों ने चलानी शुरू कर दी। ठीक इसी जगह पर निशा धैया को करीब आधा दर्जन गोलियां मारी गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मां ने और भाई ने भागने की कोशिश की, मां अभी कुछ ही दूरी पर यानी कि एकेडमी से चंद कदमों की दूरी पर अभी इस पेड़ के पास पहुंची थी कि तभी पीछा करके धनाधन यहां पर उनके ऊपर फायरिंग की और एकेडमी के ठीक बाहर मां यहाँ पर घायल होकर गिर गई। भाई भी बचना चाहता था, गोलियां चल रही थी और वो इसी रास्ते पर ठीक आगे भागता चला गया, लेकिन करीब 400 मीटर तक जो हमलावर थे पवन और उसके साथी, उन्होंने भाई का पीछा किया निशा के, और यहाँ से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर जो सूरज है उसको भी कई गोलियां मारी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद जो कोच पवन है अपने साथियों के साथ यहाँ से फरार हो गया। गांव वालों को, पुलिस वालों को जब इस बात की सूचना मिली, मौके पर उन्हें भेजा गया, गुस्से में थे, आक्रोश में थे इस दोहरे हत्याकांड की खबर को सुनकर। इसके बाद गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि अब इस एकेडमी की जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरह की रह गई हैं, कमरों को आग के हवाले गांव वालों ने कर दिया, गेट जो था उसको पूरी तरीके से यहाँ पर तहस नहस कर दिया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें जो पवन है और उसके साथी उनकी तलाश कर रही है, 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया है। एक बार मैं आपको इधर की तस्वीरें दिखा दूँ एकेडमी की, किस तरीके से जो एकेडमी है उसके ऊपर फिर जो गांव वाले थे उनका गुस्सा निकला और इस पूरे एकेडमी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। आप सामने देख सकते हैं पहलवान ओलंपियन सुशील कुमार और उनके कोच जो सतपाल हैं उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि सुशील कुमार ने ही इस एकेडमी का जो इनॉग्रेशन है वो किया था और उसके बाद पवन जो है उन्होंने इस एकेडमी का नाम ही सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी रखा था। और अब जो गांव वालों का जो गुस्सा है वो इस एकेडमी पर फूटा है और पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल अब पुलिस की कई टीमें पवन और उसके साथियों की तलाश कर रही है। परिवार का कहना है कि अक्सर निशा के साथ छेड़खानी करता था, बदतमीजी करता था जो कोच पवन कुमार है, पैसों की भी मांग रहती थी कई बार, जो पिता है निशा के उन्होंने उसको समझाया भी था, धमकाया भी था, लेकिन उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ उनको इस तरह से खबर मिलेगी। इस दोहरे हत्याकांड के बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है तो वही पूरे गाँव के अंदर मातम पसरा हुआ है। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, सोनीपत। ABP News, आपको रखे आगे।